उतिरे हुए अभी को टेंशन मत करो, थारे हाथ है ओम जी गुरु जम्बेश्वर भगवान है, चिंता मत करो। और गरीब बच्चों को आगे लाओ और समाज को आगे लाओ, गुरु महाराज आपका ही भला करेगा, समाज का ही भला करेगा। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज सम्राटल फाउंडेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम मंच पे विराजमान, सभी अधिकारीगण सामने विराजे हुए, मेरे पिता तुल्य गुजरात और माताओं और बहनों, बड़ा ही शुभ अवसर है। और मोको चूकियो मत ही बड़ा आवे ना को नहीं, क्यों इंगे हमारे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो गरीब परिवार के कमजोर परिवार के वो पढ़ रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा लाभ होगा और समाज बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अपने सम्राटल फाउंडेशन संस्थान द्वारा आज इस हवन पूजन शिलान्यास वृक्षरोपण प्रतिमा खोज मां सम्मेलन आदरणीय संत समाज पावन सिंधे मुख्य अतिथि तौर पर उपस्थित प्रदान कर सभी प्राण देने के पधारे श्रीमान जोधपुर कलेक्टर साहब, तो पधारे नहीं है, जोध निर्मल जी गहलोत, उसकत क्लास के प्रवीण जी भाटिया, सुभाष जी सूटगढ़ से, कौशल भारद्वाज जी समाज जयपुर समाज के ऐसे प्रतिमा जिनकी सफलता समाज के लिए प्रेरणा है। मैं श्रीमान प्रेम सुख जी डेलू साहब आईपीएस, डॉक्टर हरिराम जी विष्णु, कृष्ण कुमार जी आईपीएस, श्रीमान जी गणपत राम जी भादू आरजेएस, नियालचंद जी आईएफएस, राजेंद्र जी भादू आईपीएस, प्रियका विष्णु आरएस, एम मांगलिक कार्य अध्यक्ष रहे श्रीमान ओम प्रकाश जी आरएस, शिक्षा प्रोफेसर डॉक्टर मंगलाराम जी विष्णु, सम्मानित मंच पंडाल विराजमान बैठे बड़े गुजरक भावजी, कौन शक्ति मात्र शक्ति, मेरे सदा प्रणाम नमस्कार प्रणाम। सम्राटल फाउंडेशन आज मांगलिक कार्य के अवसर ऐसे प्रगतिशील मंच प्रदान किया है जिसके अनुसरण हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया और सकारात्मक अनुभव लेकर आए हैं। ऐसे संगम इसके मंच पर प्रतिमा बैठे हैं जो संघर्ष और अभाव के दिनों में कई बार खुद अकेले पाए हो गए, फिर भी कठिन मेहनत और परिश्रम हथियार बनकर मंजिल तक पहुंचे हैं। सम्राटल फाउंडेशन आपकी साथी बनकर आखिर मंजिल तक आपके साथ चलेगा। आप जब खुद को अभाव संघर्ष पाओगे, तब सम्राटल फाउंडेशन आपका सच्चा और पक्का साथी मार्गदर्शन बनकर उभरेगा। आज गांव ऐसी प्रतिमा बैठी है जो सही मार्गदर्शन कर मिल पाने वजह से, पारिवारिक हालत विकट होने की वजह से हर मान दिहाड़ी मंजूरी कर रहे हैं। इसी खाई को पटाने के लिए श्रीमान ओम प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम समाज को ऐसे मंच प्रदान किया है जिसके आर्थिक सहयोग मार्गदर्शन मध्य से कहीं कोई भाई और बहन आईटी एनआईटी और सिविल सर्विस सफलता हासिल कर परिवार समाज के प्रण बनकर उभरते हैं। समाज एक राष्ट्र की शिक्षा पहली आवश्यकता है, इसलिए जितना पढ़ो और गुणपूर्ण शिक्षा हासिल करो, ताकि जरूरी नहीं है कि अपने उच्च शिक्षा की ओर आप सरकारी सेवा न बन पाओ तो आप भी हैरान नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर रोजगार सृजक भी बन सकते हो और काम आप छोटे लेवल से भी कर सकते हो। क्या बड़ा बनने के लिए छोटा बनना जरूरी होता है? अक्सर नींव उनकी मजबूत होती है जिसने छोटे कद और संघर्ष जीवन साथी बनाया है। मैंने मेरी गाड़ी की ड्राइविंग से मेरा जीवन सफर प्रारंभ किया था। धीरे धीरे सरकारी कार्य में सिविल वर्क लाइन में छोटे लेवल के ठेकेदार रूप में कार्य प्रारंभ किया। मैंने एक ही प्रण था, ऐसी कंपनी बनाऊं जो हजारों लोगों को रोजगार दे सकूं। समाज का कोई भाईचारा अभाव कहीं भटकता न फिरे। गुरु महाराज आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से मेरी कंपनी डारा इंजीनियरिंग डारा थर्मोप्लास्ट आज हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।
हर व्यक्ति उन्नति में उनकी पत्नी सरक्तम सहयोग रहा है रहता है। मैं कम पढ़ा लिखा था, मेरी पत्नी राजस्थान पुलिस सेवा में भी थी। उन्हें दूरदर्शी और उच्च सहयोग बदौलत में आज पायदान में खड़ा हूँ। इसमें सबसे कहना चाहूँगा, महिला पर शिक्षा का ज़्यादा जोर दे। साथ ही सम्राटल फाउंडेशन से भी निवेदन करूंगा, बच्चियों के लिए अलग कमेटी बनाए और कोशिश करें कि बच्चियों आगे लिए 50% सीट आरक्षित करें ताकि हमारा स्वर्ण शिक्षा सम्मान पूरा हो सके। लेकिन इसके लिए बच्चियों का चयन के लिए निर्धारित मानक तय कर सकता है ताकि आरक्षण व्यवस्था कोई प्रतिमा पीछे न छूट पाए। इसलिए अंतिम चयन प्रतिमा का ही हो सुनिश्चित करे। सम्राटल फाउंडेशन पूरी टीम मेहनत लगन संपूर्ण मेरी कोटि कोटि प्रणाम। हिदोड़ थोड़ा ओपड़ियोड़ पढ़ लू। संत संध्या मेरे फिर नमस्कार प्रणाम करता हूं। मैं अंत में आपको सबको बताता हूं, मुझे खुशी रही है एम्स जोधपुर की गुरुजंबेश्वर धर्मशाला आपके सामने बन चुकी है और उस टीम के अंदर लगभग 8-10 मेंबर है, जैसे भगवान जी, सही राम जी और अपने केताराम जी और बाबूलाल जी और मैन खराजी है। खराजी इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपको बताऊं, रात दिन एक करके अपनी जो सम्रातल की जो मेहनत कर रहे हैं ना ओम जी, जो खराजी मेहनत कर रहे हैं आपने एम्स की धर्मशाला बनाने के लिए पूरा सहयोग खराजी और टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी आप धर्मशाला बन चुकी है, बिल्कुल रेडी है, एक दिन वो भी आप लोगों को निमंत्रण देंगे, आप लोग पधारो ज़्यादा ज़्यादा, बहुत अच्छी धर्मशाला बनी है। बिंग एमआई में 125 करोड़ रुपया दिया हूँ और ज़्यादा ही दिया हूँ, 125 तो बताऊँ पारिकों ने, तो आप चिंता मत करो चंदे की चिंता मत करो। समाज संगठित रहो और संगठित रहो के हर काम में आगे रहो, बड़े राजनीतिक काम हो, बड़े शिक्षा का हो, समाज संगठित रह के काम करोगे तो आपकी पूछ होगी, नहीं तो कोई नहीं पूछेंगे आपको। और शिक्षा के मामले में ये ओम जी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पता है कितनी मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करते हुए भी अपनी नौकरी को दावे में रखकर और समाज का काम कर रहा है, बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र है। बाकी कोई छोटी मोटी बात और बाकी तो घना ही दिया हूँ, बताओ तो कोई वो कह जो हैडो ही कौन, गुरु महाराज की दया मेरे कने की कौनी। और मैं थाने ओम जी विश्वास दे रहा हूँ, था आया जिन टाइम मेरे को 51 लाख रुपया घोषणा करा राजी उन गया कि पबजी डारे 51 दिया, मैंने ठग ठगवा ने 1,01,25,00,000 लेगा, मतलब 1,25,00,000 तो लेगा, अजय तो धर्मशाला को मोर दूजो कितने ही ले जाए मन ठाकुर। तो मैं आपको घोषणा करने कोई फायदा नहीं है, मेरी घोषणा अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना ही दे सकता हूँ, मौका आया तो दे ही सकता हूँ, दे ही धर्मशाला पानी जी दे तो ही रहूँ, चिंता मत करो, पैया की कमी नहीं आवे ना। एक बार ये भवन बन के जो ये नक्शे में है अड़ो भवन बने, खड़ो जा समाज ने सौंप दो, अड़ी अड़ी कई धर्मशाला बनाओ जो समाज के माँ जो आतंकवादी बुनियोड़ा है नहीं, कोई अब डोडा गान तस्कर करे, समाज को बदनाम करे, वे चीजा बंद कर दो, पढ़ाई होके लिखित होके पढ़ के अफसर बनेगा और समाज को आगे लेके जाएगा। जय हिंद जय भारत।